मेघा चंदन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए मैं यहाँ पे मंदिर में आई हूँ और सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। और आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मेरी पत्नी का बर्थडे है, तो आज नेहा से हम मिलने जाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। जल्दी से हम फ्रेश हो जाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हम रेडी हो गए हैं और ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं। 7:25 में मेरा ट्रेन है और मेरी पत्नी नेहा जो कि नेवरा से चढ़ेगी उसका 8:55 वहाँ टाइमिंग है। तो वीडियो में बने रहें, अभी हम दिखाएंगे स्टेशन पहुंचकर और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। देखिए आज उसका बर्थडे कैसे मनाते हैं हम। उसको लग रहा था कि हम बर्थडे उसका नहीं मनाएंगे, उसको सरप्राइज देना है। अभी कब से पूछ रही है फ़ोन से कि मंदिर जाना है का नहीं। हम बोले तुम चलो मेरे साथ, अब कहाँ जाना है हम डिसाइड करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं अभी हम जा रहे थे पैदल, तो मेरी सिस्टर मिल गई, टिफिन जा रही थी, तो हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं। तो फिर आराम हो गया कि जल्दी हम पहुँच जाएंगे स्टेशन। और चलिए देखते हैं कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना है, और उसको पता नहीं है। और ये मेरी सिस्टर है, ऐसे करो ऊपर से करो। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, ये अपना ट्यूशन चल जाएगी, हम अपना ट्रेन पकड़ेंगे। 7:25 में ट्रेन है। हमारा स्टेशन पहुंच चुके हैं, आप देख लीजिए अब मेरी बहन जा रही है ट्यूशन पढ़ने। अब हमारा स्टेशन पहुंच चुके हैं, अब ट्रेन मेरा 7:25 में है, अभी 7:10 हो रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि विदाउट टिकट जाने पर टिकट पकड़ लेगा तो बहुत ज़्यादा फाइन लगा सकता है, तो हम टिकट अपने मोबाइल से ही कर लेंगे। हमारे पास UTS एक ऐप है जिसके माध्यम से मोबाइल में ही टिकट काट सकते हैं। तो चलिए अब टिकट काट लेते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। जी आप देख सकते हैं हम पूछने गए थे इंक्वायरी ऑफिस में और वहाँ से बताया कि आप 4 नंबर प्लेटफॉर्म से पकड़ लीजिए, और हम 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। अब देखिए चलने वाले सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ेंगे, और ये हम लोग चलने वाले सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। खुद पर खुद ऊपर जाता है आदमी इससे, देख लीजिए इधर। और हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म है तो उस तरफ जाना है, अभी तो उस तरफ से ट्रेन पकड़ना है। और पकड़ के हम अपने मैडम को बोल चुके हैं कि 9 बजे 8:12 में वहाँ से ट्रेन है, तो भी रेडी हो शायद हो चुकी हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें ऐसे ही। ये दोस्तों अब हम लोग चढ़ेंगे, बहुत भीड़ है, हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं और सीट नहीं होने के कारण खड़े होकर जाना पड़ रहा है। तो आगे वीडियो में अभी बने रहें, अभी फिर नेवरा से नेहा चढ़ेगी, चलिए अब उसका इंतज़ार करते हैं। गाड़ी लेट हो चुकी है, तो ट्रेन चल चुकी है और ज़्यादा स्पीड नहीं है, फिर स्पीड बनाएगी। सोन नदी और ये क्रॉस हो रहा है पे है नेहा, पता नहीं चल रहा है मुझे, हमको लगता है कि बहुत आगे जा चुकी है। और वो दिख रही है, हाँ कंडली आ रही है। देखिए ये है, मेरा बच्चा भी है साथ में और पापा को देख के खुश हो रहे हैं। तो हमारी वाइफ आ चुकी है और मेरा बच्चा, हाय बोलो बेटू, हाय बोलो, इसको शर्म लग रहा है। और हम लोग अब जाएंगे पटना, यही नेहा है। तो हम लोग पटना आ चुके हैं और बाबू मेरा सो गया है, और हम लोग अब पटना बजरंगबली के मंदिर जाने वाले हैं और वहाँ पे पूजा करेंगे। और ये है नेहा, इससे भी बात कीजिए। देखिए मेरे से गुस्सा है ये। और हम लोग पटना स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। आओ इधर इधर आ, बहुत भारी हो गया है, सोने के बाद भारी हो जाता है बच्चे।
आ चुके हैं फाइनली मंदिर में, और पहले हम लोग जूता और चप्पल यहाँ पे जमा कर देंगे। तो चलिए यहाँ जमा कर लेते हैं जूता और चप्पल। यहाँ पे हम लोग जमा कर लेंगे, जमा करो तो। देखिए टोकन मिल चुका है, उसका रसीद है मान लीजिए, और हम लोग अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। बउआ सो गया है इसलिए बहुत भारी हो चुका है। यहाँ पे आइए हाथ धो लेते हैं पहले। दो बाबू को दो, मेरा बच्चा। और नेहा जी अभी जा रहे हैं पैर धोने के लिए। हम लोग पकड़ रहे हैं, चलो आ जाइए, चलो चलते हम लोग यहाँ से प्रसाद लेंगे, लड्डू के लिए ऑर्डर देंगे हम लोग। अरे मेरा लड्डू है, और दूर से कर दो अपना भी तुम्हारा नहीं है। देखिए कितना दिन है लड्डू लेंगे। लड्डू लेने के लिए टोकन मिल चुका है, और हम अपने नेहा को दे रहे हैं लेने के लिए। लो ले करो, और ये वहाँ जा रही है लेने के लिए। और अभी यहाँ पर लड्डू मिलेगा। लड्डू मिल चुका है, और हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मंदिर में हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए प्रवेश द्वार है, यहाँ पे सिपाही लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे सिपाही लोग बैठे हुए हैं गार्ड के लिए। और हम लोग मंदिर की ओर आ चुके हैं। आपको नज़ारा दिखाते हैं, ये मंदिर का नज़ारा, ये बजरंगबली का मंदिर है। और वाइफ जाएगी पूजा करने, हम बाबू को लेकर इधर ही रुकते हैं। हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं बजरंगबली, जो कि बिहार के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में से हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पे ट्रस्ट भी चलता है। और हम लोग आ चुके हैं, देखिए मंदिर है, और ये पूजा लाइन में लगी है नेहा। देखो इधर, हाय बोलो। अभी हम लोग, बच्चा सो गया ना, यही तो दिक्कत, ये बहुत भारी हो चुका है। इसका नाम है लड्डू। इसको उठाने की कोशिश नहीं करेंगे हम। ये भी कर लो टीका। बच्चे को भी करो, इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, और ऊपर थोड़ा सा पूजा अर्चना करेंगे, और उसके बाद हनुमान मंदिर से पटना स्टेशन का नज़ारा ये रहा। लाइट ज़्यादा होने के कारण दिख नहीं रहा कुछ। कब से ट्रेन में खड़े खड़े थक चुके हैं, तो थोड़ा सा बैठ जाते हैं मंदिर में ही, और थोड़ा सा मंदिर का आनंद लेते हैं। बच्चा तो सो गया है, पूरा नींद से सो गया है, धोती कुर्ता पहना है, और अभी जगा रहा था तो हाय बोलता है आप लोगों को। नेहा, नेहा चंदन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और देखिए मैं यहाँ पे मंदिर में आई हूँ,
और ये देखिए यहाँ पे सो रहे हैं। हम लोग ये उठेंगे तब हम लोग जाएंगे। लड्डू जग चुका है और लड्डू खा रहा है और हंस भी रहा है धीरे धीरे, और लड्डू से बात कर सकते हैं। देखिए खा रहा है कैसे। हाय बोलो बेटू, बोल दो सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे बोल दो, अंगूठा दिखा दो, अंगूठा दिखा दो। और हम लोग अभी मंदिर में ही बैठे हुए हैं, बाबू उठ गया है और हम भी उठ चुके हैं। रोटी दिखा दो, रोटी दिखा दो, रोटी दिखा दो। हाँ रोटी खा रहा है। एकदम थक चुके हैं हम लोग और ओवर ब्रिज पे ही बैठे हुए हैं आराम से, और बुआ भी मेरा बैठा हुआ है। देखिए और बुआ से कुछ बात कर लीजिए आप लोग, और हम लोग ट्रेन का इंतज़ार फिर से कर रहे हैं, फाइनली घर जाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद कर दो, जय हिंद, जय हिंद कर दो, जय हिंद।